हेलो एवरीवन, आई एम विष्णु फ्रॉम माता मोहनदाई ओसवाल पब्लिक स्कूल। वेलकम टू माता मोहनदाई ओसवाल यूट्यूब चैनल। हेयर टुडे आई एम गोइंग टू अ डिस्कस पोइम रजिया द टाइगर्स। दिस पोइम इज रिटन बाय केकी एन दारूवाला। फर्स्टली आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट द पोइट। केकी एन दारूवाला इज एन इंग्लिश पोइट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वॉज बॉर्न इन 1937 इन लाहौर, विच इज नाउ इन पाकिस्तान। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री, द फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, इन 2014। दारूवाला इज प्रेजिडेंट ऑफ द पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इज प्रेजेंटली बेस्ड इन दिल्ली। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब द डीप मैसेज थ्रू अ पोइम दैट फर्स्टली ह्यूमन बींग डिफॉरेस्टिंग द ट्रीज एंड demolishes the habitations of the wild animals। जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि सबसे पहले ह्यूमन बींग ने जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके जो हाउसेस हैं, जंगल हैं, वो नष्ट कर दिए, जंगल्स को काट कर। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड हंटिंग। फिर उन्होंने हंटिंग करनी शुरू कर दी, जिससे कि जो उनका हैबिटेशन का, उसके बाद हंटिंग का जो डर था वो इतना हुआ कि कई एनिमल्स उन पर इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि सम एनिमल्स हैज़ डाइड लाइक शेरू। इन दिस पोइम रजिया एंड शेरू आर अ टाइगर एंड टाइगर्स। Sheru is a male companion of the Razia, and when it had two little cubs, he went out hunting but never came back. Nobody knew about it. Koi bhi uske bare mein nahi janta tha. Razia thinks that poachers has killed the Sheru. Ki poachers ne Sheru ko मार दिया है। शी नेवर लीव्स हर टू कब्स। वो कभी भी अपने जो टू लिटल कब्स हैं उनको कभी छोड़कर नहीं जाती थी। उसको ये हमेशा डर रहता था कि पोचर्स विल कम एंड किल्ड हिज कब्स और सम वाइल्ड हिनास में आल्सो कम टू किल हिज कब्स। कि उसे जो पोचर्स हैं वो आ सकते हैं, जंगली हिनास आ सकते हैं। विदाउट अ मेल कंपेनियन रजिया फेल्ट हेल्पलेस। बिना उसके जो रजिया है वो हेल्पलेस फील करती है। इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग एंड एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स दैट इन अ नॉर्मल लाइफ बोथ मेल एंड फीमेल companions are needed at every step of life. This is a very messageable poem, so please listen the audio. If you like my video, then subscribe the channel and also like this video. Thanks a lot.